हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ सम वेरी यूज़फुल किचन टिप्स। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम लगा है, बहुत सारी रिसर्च इन्वॉल्व है और आपको आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारी हेल्दी किचन टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाली हैं। तो आई जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। और मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्स एंड कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहली टिप है, बाय द टाइम हमारे जो ग्राइंडर के ब्लेड्स होते हैं वो शार्प नहीं रह पाते, तो उनको दोबारा से न्यू और शार्प बिल्कुल करने के लिए एक तरीका है कि आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए ब्लेड्स के लेवल का और उसको मीडियम टू हाई उनकी स्पीड पे अच्छे से स्पिन कर दीजिए और आपके ब्लेड बिल्कुल न्यू ब्लेड्स की तरह निकल के आएंगे और आप उस सॉल्ट को दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हो। मैं इसको 2 to 3 months एवरी यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट टिप है, जो फ्राइंग के लिए मैं ऑयल यूज़ करती हूँ उसको मैं दोबारा फ्राई के लिए नहीं यूज़ करती हूँ कभी भी। उसको मैं स्ट्रेन करके एक कंटेनर में रख लेती हूँ और जो भी सब्जियाँ मैंने बनानी होती हैं या तड़का लगाना होता है उसके लिए मैं उस ऑयल को यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट थिंग है, जो हमारी कई सब्जियां होती हैं जैसे कि भिंडी, अरबी या फिर कटहल, जिनमें एक चिपचिपी चीज़ होती है लेस टाइप की, वो हाथों पे बहुत बुरी तरह से चिपक जाती है और काफ़ी टाइम के लिए इचीनेस भी आ जाती है आपके हाथों में। तो उनको कट करने से पहले या उनको पील करने से पहले अगर आप अपने हाथों पे कोई भी कुकिंग ऑयल लगा लोगे अच्छे से अपनी फिंगर्स पे तो वो ज़्यादा स्टिक भी नहीं करेंगी और पीलिंग भी बहुत ईजी हो जाएगी और आपके हैंड्स में इचीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो समटाइम्स वी बाय थिंग्स इन बल्क लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स के साथ ऐसा है कि बनानास बहुत जल्दी मशी हो जाते हैं या ओवर राइप हो जाते हैं, तो बिफोर दे गेट स्पॉयल एंड थ्रोन इन टू द बिन उनको आप कट करके फ्रीजेबल, ये जो हमारे ज़िपलॉक बैग होते हैं, फ्रीजेबल बैग्स होते हैं, इनमें कट करके रख लीजिए। तो इट गोज़ विद एनी काइंड ऑफ फ्रूट। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरीज़ और बनानास, इनको मैं, क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरीज़ बल्क में बाय की थी और बनानास ओवरराइप हो रहे थे, इनको मैंने कट करके फ्रीज़र में रख दिया था। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक क्विक फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज एंड बनाना स्मूदी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज और बनानास को हमारे ब्लेंडर में डाल दिया है, एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क और रॉ हनी इसमें मैं डाल के हमारी बहुत ही डिलीशियस समर स्पेशल ये स्मूदी रेडी कर लूँगी। तो बस यही एक टिप है, अगर आप बल्क में फ्रूट बाय कर रहे हो बाई चांस तो फ्रीज देम एंड यूज़ देम एज अ स्मूदी and it tastes so yummy, so healthy. breakfast में use कीजिए, बच्चों के snacks में उनको दीजिए, they will love it. तो next tip बहुत ही healthy tip है, जो हमारे tomatoes की skin होती है जब हम उनको किसी ऐसी सब्जी में जहाँ पे हमने tomatoes use करने हैं, जहाँ पे हमने उनको थोड़ा मोटा cut करके डालना है या फिर जहाँ पे हम उनको grind नहीं कर सकते, अगर आप उनके छिलके को peel करके use करोगे तो एक तो वो जो छिलका है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड होता है और एनीवे वो मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो अगर हम छिलका पील करके टमेटोज़ को यूज़ करेंगे वो हेल्दी भी रहेंगे और हमारे मुंह में भी छिलका नहीं आएगा। नेक्स्ट टिप है, जो ब्रेड क्रम्स होते हैं जो कि ऑफकोर्स हम एक बारी में तो सारे यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको आप एक ग्लास जार में फ्रिज में स्टॉक करके रखिए एयर टाइट कंटेनर में, दे विल लास्ट यू लाइक 6 to 8 months ईजिली। और हमारे जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, उन पर ये स्टील वुल कभी यूज़ नहीं करना है और जो हमारा स्पॉन्ज होता है उसका भी ग्रीन पार्ट नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज़ उनका जो नॉन स्टिक पार्ट होता है वो उनके शार्प एजेस से ख़राब होने का डर होता है। और स्ट्रेट आफ्टर कुकिंग बिल्कुल भी इनको नहीं वॉश करना चाहिए, थोड़ा ठंडा हो जाए उनके बाद इनको वॉश कीजिए एंड दे आर गुड टू गो।
हमारी जो शुगर में कई बारी क्लम्स आ जाते हैं, लाइक शुगर इकट्ठी हो जाती है, जुड़ सी जाती है, तो वो ना हो उसके लिए हम क्लोव्स जो होते हैं उसके 2-3 जो क्लोव्स हैं वो ऐड कर दें हमारी शुगर में। एक तो वो शुगर में फिर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस दे देते हैं और हमारी शुगर क्लम्सी भी नहीं होती है। नेक्स्ट वेरी यूज़फुल टिप, कुकर में से प्रेशर, जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसमें नॉर्मली जब हम दाल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, बाहर स्पिल हो जाती हैं चीज़ें उनमें से, तो वो स्पिल ना हो उसके लिए जो कुकर के बैक साइड पे हमारे, अगर हम ऑयल ब्रश कर दें सीटी के नीचे वाली जगह पे और जहाँ से प्रेशर निकलना होता है वहाँ पे, तो ना तो कभी भी कोई स्पिल होगा और ना ही हमारा जो साइडों से पानी निकल जाता है कुकर में से वो चीज़ नहीं होगी। और हमेशा कुकर को हाफ वे ही भरिए, उससे ज़्यादा ना भरिए। नेक्स्ट टिप है यहाँ पे दूध जो नीचे लग जाता है पैन्स में उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो हमारा जो पैन जिसमें आपने दूध बॉयल करना है उसको थोड़े से पानी से नीचे एक तरह से रिंस कर लीजिए, लाइक 1 टेबलस्पून पानी डाल लीजिए और नॉर्मल जैसे हम दूध बॉयल करते हैं बस उसको बॉयल कर लीजिए। और आप देखोगे कि इतना इजी ये एक टिप है कि आपका दूध नीचे लगेगा ही नहीं। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी देख सको कि मैं जो कह रही हूँ वो लिटरली ट्रू है। तो आप देखिए, मैं आपको स्पैचुला से दिखा रही हूँ कि नीचे से पैन बिल्कुल क्लीन है, जो बस दूध की फ्रॉथ है वही दिखाई दे रही है और दूध बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है। नेक्स्ट टिप है, जब हम अनियंस ब्राउन करना चाहें क्विकली तो बस थोड़ा सा उन पे सॉल्ट ऐड कर दीजिए। तो ये एक तो अनियन को स्वेट जल्दी कर देगा और हमारे अनियंस बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, तो हमें वेट नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। और मेरी नेक्स्ट हेल्दी टिप है कि अपनी कुकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनलेस स्टील बर्तनों का, कढ़ाई, कुकर या जो भी आप है उनका इस्तेमाल कीजिए। दे आर वेरी हेल्दी, दे आर मेड विद नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स एंड वेरी हेल्दी। और अगर आपकी कुकिंग हेल्दी बर्तनों में होगी तो खाना भी हेल्दी ही बनेगा। मेरी नेक्स्ट टिप है हाउ टू क्लीन योर चॉपिंग बोर्ड, लाइक डीप क्लीन योर चॉपिंग बोर्ड। नॉर्मली तो हम वॉश करते हैं, तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग के लिए मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया है चॉपिंग बोर्ड पे और लेमन का आधा लेमन लिया है, उसका जूस निकाल दिया है और उसको मैंने स्प्रेड कर दिया था अच्छे से। और अब मैं उसी लेमन से एक बार बहुत अच्छे से सारे मेरे चॉपिंग बोर्ड को यहाँ पे उस नमक से अच्छे से उसको फैला दूंगी और उसको अच्छे से एक बारी घिस के प्रॉपरली क्लीन कर दूंगी, उनकी साइड्स भी बहुत अच्छे से। तो ये बहुत इजी तरीका है चॉपिंग बोर्ड को डीप क्लीन करने का। और बस इसको आप आधे घंटे के लिए रखने के बाद नॉर्मल अपने डिश वॉश लिक्विड से क्लीन कीजिए, रिंस कीजिए और आपका चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल हाइजीनिक हो जाएगा। उसमें जो भी चीज़ें कह लो कि डीप क्लीनिंग, ये आप एवरी वीक ज़रूर कीजिए अपने चॉपिंग बोर्ड के साथ और यहाँ पे आपका चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल नया बन के रेडी हो जाता है। और एक और आगे स्टेप है चॉपिंग बोर्ड को और अच्छा क्लीन और हाइजीनिक देने का, तो यहाँ पे मैं कुकिंग जो हमारा कोकोनट ऑयल है वो मैंने लिया है और उसको मैं ग्रीस कर दूंगी चॉपिंग बोर्ड को उससे थोड़ा सा। इससे हमारे चॉपिंग बोर्ड को बहुत अच्छी एक नरिशमेंट मिलेगी, हमारी जो चॉपिंग बोर्ड की वुड है वो स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। नेक्स्ट टिप है, जब आपके अनियंस ब्राउन हो जाएं किसी भी तड़के के लिए तो उसमें ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिए और कसूरी मेथी को भी अनियन के साथ फॉर फ्यू सेकंड्स, लाइक 5 to 10 seconds के लिए फ्राई कीजिए। वो बहुत एरोमेटिक हमारे अनियंस को बना देगी और अनियंस और ये कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत यम्मी आता है किसी भी दाल के तड़के में। मेरी नेक्स्ट टिप है, जो भी पैन हमने तड़का बनाया है उसको एक बारी अच्छे से पानी में रिंस करके उस पानी को भी दाल में यूज़ कीजिए, क्योंकि घी जो है वो नीचे बैठ जाता है पैन पे, तो उसका भी यूटिलाइज़ करना ऐसे ज़रूरी है कि हम उसको थोड़ा सा पानी से रिंस कर लें और उसको हम यूज़ करें। और मेरी नेक्स्ट टिप है, जो गरम मसाला होता है उसको आप एक बार अपनी दाल पे डाल दीजिए और उसको बिना स्टर किए ढक दीजिए अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए सिम फ्लेम पे, तो वो जो गरम मसाले का
जो अरोमा है वो अच्छे से दाल में मिल जाएगा। हाउ टू वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सो मैंने यहाँ पे सिंक भर लिया है पानी से और इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून के करीब वाइट विनेगर। इसको मिक्स कर दूंगी और जो भी फ्रूट्स या वेजेस मैंने वॉश करनी है उनको मैं डिप कर दूंगी इनमें। तो 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आप इसमें डिप रहने दीजिए अपनी वेजेस को। और इनको जब आप डिप करो तो आप एक बारी इनको अच्छे से हाथों से थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए और जो भी इनके ऊपर ये स्टिकर्स हैं उनको भी रिमूव कर दीजिए और आपकी वेजेस बहुत अच्छे से क्लीन होके बाहर निकलेंगी। जो वैक्स का डर होता है या जो मिट्टी या जो भी कुछ लगा होगा वेजीज पे वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ टू स्टोर टमेटोज, तो वॉश्ड और ड्राई टमेटोज को आप अपसाइड डाउन जो उनका स्टेम वाला एरिया होता है उसका मुंह नीचे को करके हम स्टोर करेंगे। तो आराम से हफ्ता से 10 दिन आपके टमेटोज विदाउट गेटिंग मशी निकलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बल्क में टमेटोज बाय करते हो तो उनको फ्रिज में रखिए और दे विल लास्ट फ्यू 1 week to 10 days ईजिली। और जो स्पिल हो जाता है दूध या कुछ भी हमारे पॉट्स में से, तो हाउ टू स्टॉप दैट, जस्ट पुट अ वुडन लेडल ऑन द टॉप ऑफ दैट यूटेंसिल और जो भी बॉयल है वो बॉयल तो होगा पर जो स्पिल आ जाता है बाहर जैसे दूध गिर जाता है या पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो वो वुडन लेडल उसको स्टॉप करेगी, वो एक बैरियर बन जाती है और आपका दूध या पानी बाहर नहीं आएगा। जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनको स्टोर कीजिए बिफोर वॉशिंग, तो जब आपको चाहिए तब उनको वॉश कीजिए और उनको स्टोर करने के लिए एक पेपर टॉवल बिछा लीजिए कंटेनर में ताकि जो भी मॉइस्चर आए वो एब्जॉर्ब कर लें और हमारी जो वेजीज हैं वो मशी ना हो और ना ही ख़राब हो। तो इनको बस जब आपको यूज़ करना है इनको निकालिए, वॉश कीजिए और यूज़ कीजिए। मेक श्योर यू यूज़ एयर टाइट कंटेनर ताकि उनमें मॉइस्चर ज़्यादा डिवेल्प हो ही ना। लास्टली, इंडियन कुकिंग में कोरिएंडर लीव्स आर मस्ट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनका जो बिल्कुल अपर पोर्शन होता है जो बिल्कुल स्टेम्स होती हैं उनको रिमूव कर लेती हूँ और जो फिर उनसे नीचे वाली स्टेम्स जिनके साथ थोड़ी बहुत पत्तियाँ अटैच्ड होती हैं उनको मैं चटनी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो उनको मैं रफली चॉप करके यहाँ पे अलग से निकाल रही हूँ और यहाँ पे जो धनिया मिलता है उसके साथ ही अटैच्ड होती हैं तो आप इनको रीग्रो भी कर सकते हो। और जो बाकी की हमारी जो धनिया वाली लीव्स हैं उनको बारीक काट के बिफोर वॉशिंग, इनको वॉश नहीं करना है, बस इनको बारीक काट लीजिए और इनको भी सेम वे में एक बड़े कंटेनर में पेपर टॉवल से लाइंड अप कंटेनर में इनको रख दीजिए और जैसे आपको इनकी नीड हो, जैसे आपका यूज़ हो, इनको एक बाउल में निकालिए, उसमें पानी डालिए, अच्छे से इनको रिंस करिए और यूज़ करिए। तो इसमें आपको धनिया को कट करने का नहीं आलस आएगा बाद में। आप धनिया को बिना कट किए भी स्टोर कर सकते हो सेम पेपर टॉवल पे, पर अगर कट किया हुआ धनिया होगा तो आपका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो बस इसको भी एयर टाइट कंटेनर में प्रॉपर लिड के साथ स्टोर कीजिए फ्रिज में। और जो बाकी की स्टेम वाला जो हमारा धनिया था उसकी मैं यहाँ पे चटनी बनाने लगी हूँ, तो बस मैंने यहाँ पे जो धनिया वाली स्टेम वाली लीव्स थी वो डाल दी हैं, नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें मैं थोड़ा सा अमचूर डाल दूंगी और साथ ही मैं यहाँ पे स्पाइस के लिए 3 ग्रीन चिलीज ले रही हूँ जिनको मैं रफली बस हाथ से ही तोड़ के डाल दूंगी। 1 teaspoon वाटर के हेल्प से मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी एंड बहुत ही रिफ्रेशिंग धनिया और मिर्ची की चटनी बन के रेडी हो जाती है, वो भी धनिया के स्टेम से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।